करता जा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरव्यूज में साइकोलॉजिस्ट बेस्ट हैं और इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं। जो टोटल मेरिट है वो रिटन और इंटरव्यू मिला के मेरिट बनता है। अच्छा, मतलब सारा जितना प्रोसेस होगा उसके बाद फाइनली आप जब इंटरव्यू में भी, कुछ लोग फेल हो सकते हैं जिनकी मजबूत रुझानात एक्सट्रीमिस्ट हैं, अच्छा, वो फेल हो सकते हैं। ठीक है। जो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही उनको जनरल नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट्स पे अबूर नहीं है, वो फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने की जो परसेंटेज है बहुत कम होती है। ठीक है। मोस्टली जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं वो फिर सिलेक्शन के प्रोसेस, मतलब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, इसी तरह वो फेल नहीं होते हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है कि अगर 100 सीट्स हैं तो जो टॉप मोस्ट 100 कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी पास तो होंगे लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ जो मेरिट लिस्ट है उसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनती है। अच्छा। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं या किसी तरह से इससे बेहतर नौकरी उनको मिल जाती है, या वो नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है सर, ये मेरिट कैसे बनता है? मेरिट का थोड़ा सा मुझे वाजिया बता दें, कोई एक्स्ट्रा नंबर किसी चीज के मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल किया है, जैसे रिक्वायरमेंट थी इंटरमीडिएट बट ही इज बैचलर, तो उसके जो नंबर होंगे ग्रेजुएशन के वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे? ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। अच्छा। जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है एसएससी वो है, और उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन की है उनके एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सिर्फ फैमिली क्लेम के 3 नंबर हैं। अगर उनके पेरेंट्स में से कोई पुलिस में पहले सर्व कर रहा है उसको 3 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। अब दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जो मेरिट है वो रिटन के एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं प्लस इंटरव्यू में जो उसने मार्क्स दिए हैं उन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। तीसरी चीज जो उसमें अहमियत रखेगी, अगर फैमिली क्लेम वाला तो उसके 3 नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। साजिद साहब थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाइड किया। जी नाजीन, आपके वो तमाम सवालात जो आप हमें कर रहे थे बार बार कमेंट सेक्शन में कि ये तमाम प्रोसेस हमें बताएं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे प्रोसेस का पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे और इमशा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।